तो दोस्तों आज मानसून में बहुत दिनों बाद धूप निकली है। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है। दो तीन दिन से निकल रही थी थोड़ी थोड़ी, पर आज इस समय 12:30 बज रहे होंगे दोपहर के, और मैं उठा तो काफ़ी अच्छी धूप थी, पर 2-3 मिनट ही लगते मौसम बदलने में। जब मौसम बदलना होगा ना, तुरंत मौसम बदल जाएगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा धूप भी सेकते हैं। टॉनी जेरी को वो लोग घुमाने गए हैं। अब पार्किंग के अंदर तो हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही, तो बाहर ही घुमाते हैं। तो आपको मैं चलो यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ और फिर अपनी रनिंग कमेंट्री करता हूँ। ये आवाज़ आपने सुनी होगी, डोडो की आवाज़ है। तो ये सब हरा हो गया है एकदम। अभी और 2-3 महीने बारिश रहेगी ना, तो यहाँ पर सब झाड़ियाँ उग जाएगी। पिछले साल तो हमें झाड़ियाँ काटनी पड़ी थी, मतलब बिल्कुल ऐसे ये रोड एकदम बंद हो गया था। अभी तो नहीं हुआ है, पर ये झाड़ियाँ इतनी बढ़ गई थी, तो अभी हो सकता है। देखो हट का क्या हाल हो गया, सारी बेल उसके ऊपर चढ़ गई। बोट है, हवा से थोड़ी सी दूर चली गई है। वो आपको सामने दिख रहे हैं, वो टॉनी जेरी को लेकर के बैठे हुए हैं। दिखाता हूँ आपको जूम करके, शायद आपको दिख पाए। इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। वो टॉनी जेरी बैठे हुए ना, तो काले काले बादल हैं अभी। बादल और बारिश हमेशा इस साइड से आती है। ये सामने मोरजिम बीच है सारा, इधर की तरफ चले जाओगे तो वागटर बीच है। और पानी का रंग भी बता रहा है, पहाड़ों में काफी बारिश हो रही है इस समय। मैं सोच रहा हूँ जिस दिन वो आगे शुरू हो जाएगा, जो बन रहा है रिवर बैंक में, जो भी हो, बार बनेगा या हॉस्टल बनेगा, तो जो अभी शांति रहती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। देखो वो यॉट खड़ी है। अभी क्या मानसून की वजह से सारे गोवा में वाटर स्पोर्ट्स वगैरह बंद रहते हैं, तो देखो वो सब बोट कवर करके रख दी उन्होंने। ये सब कवर है ऑलरेडी, इस समय मतलब बोटिंग वगैरह सब बंद रहती है, फिशिंग भी नहीं होती है पीक मानसून में। तो जो फिश वगैरह होती है, या तो वो फार्म की फिश आती है, या जो स्टोर करके चलते हैं वो वाली फिश होती है। नहीं तो यहाँ पर वो देखो ना, काया किंग रखी हुई कितनी सारी, दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये काया किंग बांधी हुई है। चाय पी थी, चाय पे चर्चा के वीडियो हम बना नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि चाय पे चर्चा के वीडियो बनाने के लिए हमें सूखा आंगन चाहिए होता है, तो सूखा आंगन नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से मतलब बाहर हर समय बारिश होती है, कीचड़ होता है, तो हम लोग फिर ऐसे ही चाय पी लेते हैं। और सच कहूँ तो थोड़ा बहुत मेरा मन भी नहीं करता है, तो आपको मालूम है कि जो मैं अपने मन के हिसाब से ज़्यादा चलता हूँ, हर बार नहीं चलता हूँ, पर ज़्यादातर मैं अपने मन के हिसाब से चलता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि मानसून के दौरान बीच में अगर बारिश रुकती है और धूप वगैरह निकलती है, तो कुछ सांप वगैरह बाहर निकलते हैं बॉडी को गर्मी देने के लिए, धूप सेकने के लिए। और ऐसा हुआ भी था पिछले साल, मुझे 2-3 सांप दिखे थे, पर वो हमें कुछ नहीं कहते, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, वो हमें देख के छुप जाते हैं, हम उन्हें देख के छुप जाते हैं, बस इतना ही हमारे बीच में एक कॉमन रिश्ता है। वो देखो वो बैठे हुए सामने। मैं वहाँ इसलिए नहीं जा रहा कि मेरे जाते ना टॉनी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। जब मैं जाता हूँ टॉनी को घुमाने ना, तो वो क्या करता है, वो काफ़ी दूर दूर हमसे चलता है और आते आने जाने वाले लोगों को भागता है।
वो उसके कॉन्फिडेंस रहता है ना, जैसे लीडर ऑफ हाउस मैं हूँ, उसने मुझे मान रखा लीडर ऑफ हाउस, तो उस ये जानवरों में ये बड़ा सेंस होता है। पर जब मैं नहीं होता हूँ और ये लोग जब टॉनी को लेके जाते हैं तो उस दौरान वो लीडर होता है, तो वो क्या करता है, वो इनके आसपास रहता है, इनको प्रोटेक्ट करता है और इन्हीं के आसपास रहता है। पर मैं जैसे ही साथ में जाता हूँ ना, तो वो फिर काफ़ी आगे जाता है और आगे पीछे रहता है, और उस चक्कर में वो आने जाने वालों को भोंकता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है। उसने काटा नहीं है आज तक किसी को, और मुझे मालूम है कि जरूरत पड़ने पर वो काटना तो छोड़ो, मतलब वो फाड़ देगा पूरा, वो इतना ज़्यादा वो है। पर इमोशनल डॉग है, पार्किंग बहुत बढ़िया थी, पर हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है। हमने साल भर उस पार्किंग को यूज़ किया टॉनी जेरी को घुमाने के हिसाब से, तो इतना ही बहुत था। और ठीक है, जो मिला जितना मिला वो भी ठीक है। दो जगह से बांधी हुई रस्सी, एक वहाँ से और एक यहाँ से, तो ये तो बांधी हुई है, वो शायद इन्होंने लंगर डाला है। बिल्कुल चुप नहीं रही है, धूप बहुत तेज भी नहीं है और हवा में ठंडक है। पर अभी आपको ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल साफ है आसमान, अभी 2 मिनट के अंदर एकदम मौसम बदलेगा और बारिश हो जाएगी बहुत तेज। ये तो अभी 2-3 दिन से बारिश कम हुई है, तो उसका लेवल जो है पानी का नीचे आ गया। देखो नाव अपनी तरफ आ रही है, नज़दीक आ रही है, नहीं तो ये यहाँ तक लेवल आ गया था पानी का, इस वाली तक। अभी तो लेवल डाउन है, इसलिए पत्थर भी दिख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ना रोके ना, तो पैसे वाले ये सब पहाड़ को ग्रे करा देंगे। इतनी कंस्ट्रक्शन करते रहते, वो एक बोरिंग कंस्ट्रक्शन, वो मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली नॉर्थ इंडिया से कोई भी उसको दिल्ली वाला बोलते हैं। ये भी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रही है ना आपको, ये जो सोसाइटी बनी हुई है पहाड़ के ऊपर, ये रोड इस तरह, मतलब इसके आगे रोड है जो मोचिंग वाला रोड है, उसके बाद ये पहाड़ शुरू, यहाँ से 25-30 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र शुरू है। पेट्रोल रखा हुआ है उसमें, अभी पिछले 5-7 दिन तो बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी, पर वो सीखा जा रही है, जो बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी पिछले 5-7 साल, तो 5-7 दिन, पर पिछले साल जैसी कंटिन्यूस बारिश अभी हुई नहीं है, या तो होगी शुरू होगी। काफ़ी दिनों बाद तो मैं घर से बाहर निकला हूँ, क्योंकि अभी मैंने आने के बाद जिम ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकला हूँ। कई कई दिन तक तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, अभी भी वो टॉनी के चक्कर में निकला, उसके अंगूठे में चोट लग रही है, तो इस चक्कर में निकला हूँ मैं। ये वो हमारे नारियल वाले भैया नारियल निकालते हैं, नारियल का वो क्या बोलते हैं, माड़ी निकालने आते हैं ना हमारे नारियल के पेड़ से। अब पता नहीं, काफ़ी दिन से मैंने देखा नहीं। चलो, और कुछ ज़्यादा मेरे पास इस समय बात करने को है नहीं, क्योंकि मैं इस, मैंने बताया ना, जब भी मैं इस नज़ारे को देखता हूँ, मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तो मैं खुद इसको ऐसे देखता हूँ जैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। नारियल भी होते हैं काफ़ी सारे, अभी 3 नारियल के पेड़ और बड़े हो रहे हैं। ला रहे हैं टॉनी को शायद,
तो चलो दोस्तों, ऐसे ही बाहर आया था, मन किया कि कुछ वीडियो बनाते, क्योंकि बहुत दिन या महीनों से नहीं बनाया था, मतलब सिंगापुर जाने से पहले ही बाहर के वीडियो बनाए थे मैंने। तो अब जाएंगे कुछ चाय नाश्ता करेंगे। इस समय 1:15 बज रहा होगा, 1:15, 12:30 बजे मैंने घर के अंदर टाइम देखा था, तो इस समय 1:30 बज रहा होगा। चलो चलते, टॉनी जेरी भी आ रहे हैं, फिर मुझे देख करके ना वो अंदर जाने में थोड़े नखरे करता है। नीचे नजर रखनी पड़ती है। पानी का लेवल उतर गया, नहीं तो यहाँ तक पानी आ गया था। गार्डन पूरा उजड़ा पड़ा है, अभी दोबारा से इसकी सेटिंग धीरे धीरे होगी। देखो मनी प्लांट का पत्ता कितना बड़ा हो गया, ये मनी प्लांट है। डोडो ने और डोरा ने, डोरा भी बताया ना मैंने आपको कि डोरा भी आ गई, उसने यहाँ के सारे गमले गिरा गिरा के खराब कर दिए। ये वाले ये छोटे छोटे पॉट हमने लगाए थे, अब दोबारा लगाएंगे। ये हमारा बैम्बू ट्री है, ये विंड चाइम्स मैं सिंगापुर से लाया था, ये वाला और ये वाला। और एक ये वाला है, ये मटका वही है जो जाने से पहले मैंने लिया था। झूला हमने वो उतार के रख दिया है। यूपी भी है साथ में।